जनाब वेलकम, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। हमारी प्यारी सी आसिया जिसकी आज मेहंदी है और मेहंदी लेकर आए हैं हम सब मिलजुल के, लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है इसलिए कि आसिया की मेहंदी को हम बहुत से सेलिब्रेट करने वाले हैं। कल इंशाल्लाह बारात होगी, परसों वलीमा, आपने भी शामिल रहना है, लेकिन क्या क्या कुछ होगा इससे पहले कि हम सब मिलकर आपके साथ सेलिब्रेट करें, एक ब्रेक लेंगे। थैंक यू मरियम। और मरियम जो है आज हमारी तरफ है, नताशा नहीं 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 मरियम हमारी तरफ है। क्यों आपकी तरफ है? ये देखिए ये गलत बात है, एक सेकेंड ये बताएंगे लड़कों वाले की तरफ, लड़के वाले हम हैं और लड़की वाले ये हैं, इनके पास ऑलरेडी कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। जल्दी से डिसाइड कर लो कि तुमने अब करना क्या है। नहीं डिसाइड क्या करना, मरियम हमारे साथ है। एक्चुअली मैं आपकी पार्टी स्ट्रांग है हाँ, तो आई थिंक अच्छा ये कह देने का मतलब है हार गए। ये assumption आप अभी ना कायम करें। एक सेकेंड उसके जुमले पे हस्ती का मान गौर करें, उसके जुमले पे गौर करें, उसने कहा आपकी पार्टी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा आप वहाँ पे इतने लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलो कोई नहीं, तुसी कड़ा गार्डर चुकने ने पार्टी। ये देखे मरियम इधर आ गई, मैंने कहा मरियम ये जगह भी आपकी उड़ीक में है और तीन मरले मेरे को भी थोड़ी उड़ीक। अच्छा चलो ये तो हो गया एक मरियम, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। आज हमने लड़के वालों ने अपने आप को बहुत पक्का किया, मजबूत किया। चले देखते हैं क्या तैयारी है आपकी। हमारी बहुत तैयारी है, यही तैयारी ही कर रहे हैं, हमारे पास तो दिल और कोई काम ही नहीं है। अच्छा बाकी तैयारियां भी तो देखो ना। हाँ वो हम देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और एक मिनट, हमारी आसिया की तैयारी सबसे पहले देखिए। आसिया आइए, आज आसिया की मेहंदी है और आसिया कैसी लग रही है अपनी मेहंदी पे? आसिया बहुत प्यारी लग रही है। कैसी लग रही है समीना जी बेटी? प्यारी लग रही है ना। और कहाँ है आपकी अम्मा जी? आपके सामने बैठी हुई है। अभी मैं सबको बुलाऊंगी। आज आसिया के सारे घर वाले आए हैं, नानी भी आई है, अम्मी भी आई है, सास तो है ही, और कौन कौन आए? अब्बू जाहिर है, बाकी और रिश्तेदार जो हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। जी जो रिश्तेदार हैं वो सब आए हुए हैं यहाँ पे और उनको आज हम मेहंदी जब अभी शगुन करना शुरू करेंगे तो उनको भी बुलाएंगे। लेकिन कल सिर्फ लड़की वालों, लड़की थी ना हाँ। आज हम अपना लड़का भी लेकर आ रहे हैं। हाँ हाँ क्या हुआ? आज हम साजिद भाई को भी लेकर आ रहे हैं। हाँ मैं भी जरा देख लूँ कि मेरे ब्रदर इन लॉ कौन है भाई। ओके सो चले ब्रदर इन लॉ को लेकर आते हैं ताकि आप सब देख सकें कि साजिद भाई जिनका आसिया के साथ हो रही है शादी और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रस्म हिना इनकी। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप साजिद भाई को भी देख सकेंगे और लड़की वालों की तैयारी भी। आमदीद आप डोल की आवाज सुन रहे हैं शायद, क्योंकि लड़का साजिद भाई जो है वो भी आज रस्म हिना में शामिल है। आज आसिया की और साजिद भाई की रस्म हिना है भाई। जी बिल्कुल। लड़की वालों जी जी, लड़के का दीदार हम कराने जा रहे हैं। बिल्कुल। मगर मुफ्त में नहीं होगा। अच्छा हाँ, पैसे निकालने पड़ेंगे? नहीं पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे, तैयारी। अरे नहीं 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 ये नहीं आज मिल सकता क्योंकि इसमें बहुत सारा मालूम होता है। अच्छा हाँ, आज का सारा जो हमारा जो ग्रैंड कैश है ना वो नहीं। लेकिन ये वाली जो आप जो रस्म बता रही हैं कि मुफ्त में लड़के का मुंह नहीं देख सकते और ये वो, ये तो लड़के वाले करते हैं। हमारी बहन की शक्ल वो तब तक नहीं देखेगा जब तक वो यहाँ पे 10,000 रुपए उसके हाथ में नहीं रखेगा। अच्छा जी जी अभी एक सेकेंड, मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं थी, मेरे दिमाग में ये बात डालने वाला कौन है? कौन? फरा। नहीं कि वो मुफ्त में नहीं होगा, तो मुफ्त में कुछ नहीं होगा, मुफ्त में कुछ नहीं होगा, 10,000 रुपए हाथ में रखेगा। मरियम एक मिनट। हाँ मेहंदी नहीं कमॉन एक सेकेंड, अभी इन्होंने कहा कि लड़का जब आएगा, दूल्हा जब आएगा तो वो मुफ्त में नहीं आएगा। अरे अब वो इसकी शक्ल तो देखेगा ना। वही उसके मतलब है कि आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा जो आप हमें पहले ही कही जा रही है कि आप हार गए, आप हार गए, हम तो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा लेकिन हम तो अपनी बात पे पक्के हैं, जब तक वो 10,000 रुपए उसके हाथ में नहीं रखेगा हम शक्ल नहीं दिखाएंगे भाई। क्यों भाई? हाँ हाँ भाई आप लोग तय तो कर लो किसके साथ हो, लड़की के साथ लड़के के साथ? लड़की 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 किसके साथ हो? नताशा नताशा बोलो नताशा। अच्छा देख के मेरा नाम दे दो जल्दी से, बुलाती हूँ। नहीं नहीं ये बात अच्छी नहीं है, ऐसे ही होता है, लड़की को लड़के ने लेके जाना है तो देख लो। तो मैं बुलाऊंगी यहाँ पे आज साजिद भाई को, पहले पहले देख लो, पहले देख लो साजिद भाई को हम बुलाने वाले हैं जिनकी कि आज रस्म हिना है आसिया के साथ।
साजिद भाई ने मरियम आते ही पूछा है नताशा जी कि मैं बैठ जाऊं। साजिद भाई बैठने की जल्दी आपको, आप बैठना चाह रहे हैं। मैं आपकी दुल्हन की बहन हूँ, आपको पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो मेरी छोटी बहन है, मैं बड़ी बहन हूँ। एक्सक्यूज पहले आप मुझसे परमिशन लेंगे नई नई चीजें, मैं आपकी बहन के साथ बैठ जाऊँ इसलिए आपसे पूछा। पूछे दोबारा। ओह माय गॉड, देखिए मेरी बात सुने, डरने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर बात करें, आपकी बहन भी आपके साथ खड़ी है, तो आप हम सारे आपके साथ हैं। हाँ आप दुल्हन के साथ बैठे हैं, आप कॉन्फिडेंस से बैठे हैं। बैठे 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 चलो बेहतर हो गया। अभी आप 10,000 की बात कर लीजिए। 10,000 नहीं, 10,000 की बात नहीं है। अब बताओ तुम लोग कितने तैयार हो, अब बताओ किसके साथ हो, लड़की वालों के साथ लड़के वालों के साथ? अच्छा चलो लड़की वालों के साथ, गुड गुड गुड, चलो फिर आओ लड़की वालों। इधर हो जाए टोल बजाने वाली छोटी, कुछ तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इधर आए, मतलब मैंने पूरा मेहंदी मेहंदी तो दोनों की है, लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ शुरू कर दी है, हमने स्टार्ट की है, आपने शुरू कर दी है ना, तो हम खत्म करेंगे ना, तो कब खत्म? चलो खत्म करो, आपने शुरू, चलो जी ढोल बजाएं। आओ भी लड़कियों, आओ सारे। उन्होंने ढोल ही बंद कर दिया यार, नहीं बस इतना सही था, हमारे लड़के वाले हम तो भी कुछ करने वाले थे, लड़के वाले थे जिन्होंने एनर्जी के साथ डांस किया, ये क्या आप लोग कर रहे हैं? अभी हम करने वाले थे क्या क्या एक सेकंड ऑडियंस यहाँ पे डिसाइड करने के लिए बैठी हुई है, हमारा ज्यादा अच्छा था या लड़के वालों का? ये इशारा है, इशारा है, ये इशारा है, ये इशारा है। सबसे पहले रस्में शुरू करते हैं, ठीक है? रस्में हिना है और इन दोनों की रस्में हिना है, साजिद भाई की और आसिया बहन की, प्यारी सी हमारी बेटी आसिया की। और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आसिया की नानी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मा जी, क्या हाल है आपका? माइक में बात करें कैसी है आपकी? सुना आसिया बता रही थी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? अपनी नवासी की आपस में आई है शादी में, रस्म हिना में है, चले आए। फिर पहले मैं चाहूंगी कि आप लगाएं मेहंदी, फिर अम्मा लगाएं, फिर सासू माँ लगाएं, और फिर हम लोग लगा के तो शगुन करके तो फिर हम शुरू करें सारे मामला, ठीक है? आए दुआ भी दें उसको और मेहंदी भी लगाएं। वैसे कितने खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी नानी उनको मेहंदी लगा रही होती है। फरा जी मेहंदी तो अब लग रही है, हाँ। मेहंदी लाने वाली चमची तो ले लो। नानी में बैठे आप, बैठ के तेल मेहंदी लगाएं दोनों को जैसे आप लगाती हैं। क्या लगाएंगी पहले? आओ ना यार लड़कियों, मेहंदी ले, मेहंदी उठाए, ले 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 मेहंदी ले, उठा ले, नहीं नहीं वो चुकी भी है, आप यूं कर ले, आप यहाँ से उठाए उसके हाथ पे लगा।
पहले ये मेहंदी पकड़े, एक हाथ से मेहंदी लगाए, एक हाथ से मेहंदी लगाए, इस हाथ हाथ बाहर छोड़े छोड़े, एक हाथ बाहर, अभी ये अब हाथ पे एक सेकंड हाथ पे रखना तो है कुछ पत्ता है कोई। नानी अम्मा ने मुझे लगता है इससे पहले कभी कोई मेहंदी नहीं लगाई है। नानी अम्मा लगाई है मेहंदी कभी, गई है रस्मों में? ये ले चलो जी, बस वो तो दुआएं ज्यादा फोकस है। हाँ अच्छा, लड़के को भी कुछ करना है ना, लड़के की भी बेचारे की आज मेहंदी है, उसको तेल लगाएं। हाँ नहीं उसके हाथ, उसको मेहंदी नहीं लगानी, उसको तेल लगाना। इधर 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 तेल ले। हाँ जी चला आ जाए, चल लड़के को चले जी, वेरी गुड, चले जी क्लैपिंग कर, क्या बात है। ये पकड़ेगा जरा, अब मुंह मीठा कराएं और दुआ दें जो भी आपने देनी है। अच्छा आसिया आपकी क्या लगती है? नवासी। और साजिद भाई? वो भी नवासा ही लगता है। वो भी नवासा ही लगता है। हाँ, तो किसकी शादी की ज्यादा खुशी है, आसिया की या साजिद की? दोनों की। नहीं मैं कोई एक, कोई एक फेवरेट दोनों में से ज्यादा होगा ना? चले आसिया बहुत बहुत मुबारक हो, आए आप लोग भी आकर रस्म करें, आप आए समीना, आए ना बेटी को मेहंदी लगाएं, आजे आजे जल्दी से, आजे आप भी आजे आजे आजे। शर्मा किस बात से रहे, ऐसे लग रहा है जैसे आसिया की मेहंदी नहीं जाके बैठ जाए, इनकी मेहंदी है, अब उनकी अम्मी बैठेगी। अच्छा मरियम भी उसी पॉइंट पे रहा है जिसपे मैं हूँ, सब लोग ऐसे शर्मा रहे जैसे मेहंदी आसिया की नहीं है। आप ये मत सोचें कि आप टीवी में आ रहे हैं, आप ये सोचें कि आपकी बेटी की मेहंदी है, बस एग्जैक्टली। चले वेरी गुड, दुआ भी देना उसको। ताकि हम पूरा जो है ना वो सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू करें। आप खुश है ना आसिया से? आसिया उनके भाई की बेटी है भाई, बहुत प्यार भी दे शादी के बाद भी बेटी ही नहीं समझ लेने लगी, ये नहीं 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 इसमें शादी के बाद भी बेटी ही समझ के इसी तरह मोहब्बत करनी है जैसे आप इसको पहले बचपन से करती आई हैं। बेटे को भी लिफ्ट करा दे थोड़ी सी, बेटी भी है। हाँ बेटे को नहीं लगाना तेल, बेटे के सर पे जरा तेल लगा दे, ज्यादा लाओ मुंडे नु जंगालना पै जाए। नहीं नहीं लड़का हमारा बहुत प्यारा है माशाल्लाह, और आप लड़के वाले भूले नहीं। हाँ हाँ असि तो मुंडे वाले हैं। चले जी मिठाई जो है वो मुंह मीठा कराएंगे साजिद भाई आपका, इससे कहते हैं कि वो होता है थोड़ा सा क्या, प्यार बढ़ता है मोहब्बत एक दूसरे का। फाइनली हमने इनकी रस्म हिना जो है इधर इधर। अच्छा उसके बाद मैं आपको खिला दूंगी, सानू भी दियो बर्फी, सानू शुगर है दोनों। अब आप लोग उठे और उठ के आप लोग वो करना शुरू करें। हाँ। ठीक है सो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, बहुत सा जिसे कहते हैं जिंदगी में खुशियाँ सुकून देखना नसीब करे। ये मेरा भाई ढोल वाला जब से आया ना ये उस वक्त सिर्फ नोट दिखा के इशारे करी जा रहा है, कुछ करो कुछ कुछ करो, बस ये ना नोट का इशारा करते जा रहे हैं। नहीं उन्हें पता भी करो ना, पैसे ही नहीं के थैले जी बिल्ली छड़न आया। अच्छा नताशा यहाँ तक तो होगी बातें बातें, चल गया बातों से काम,
लेकिन साहिबा बैदुल्ला भी है, इतने खूबसूरत ड्रेसेस उनके हमने पहने हुए हैं। सो एक तो मैं चाहूंगी कि हम ड्रेसेस अपने जो है वो सब आप देख सकें गौर से, कि अगर आपने भी मेहंदी पे जाना है और इस तरह के ड्रेसेस पहने हैं तो क्या होगा। और जब आप वापस आए तो कोई और बात ना करें, सिर्फ लड़की वालों को हम गौर से देखें कि इनकी कितनी तैयारी। ठीक है, सो एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर मिलेंगे। थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे लेकिन कोई बात नहीं। नताशा ने अच्छा किया है, पहले मेरी बात सुने, नताशा ने अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने आपने बहुत अच्छा किया। दीवार को एक धक्का और दो, बात पहले पूरी कर ले उसके ऊपर कमेंट कर ले। जलसा करना शुरू हो गया, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप भी अच्छा कर रहे थे लेकिन लग रहा है कपड़े तो हो रहे हैं। अच्छा मामा साहब इतनी जेलसी। एक मिनट नताशा, लड़की वालों रस्में हिना में आए हो, किसी सियासी जलसे में नहीं आए हुए, दीवारों को गिरा रहे हैं, है ना। नताशा आप नोटिस करिए, फरा भी बहुत ज्यादा उनकी तरफ पार्शल हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं, वो पहले दिन से उनकी तरफ ही है ना। अच्छा अच्छा, लड़के वाले की तरफ है वो, लड़के वाले। फरा देखिए हमारी तरफ से हो गया, वहाँ से क्या आ रहा है, वहाँ से क्या, वहाँ से लड़का आया, क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं भाई, इधर से चिंची आ रहा तो हम लाद के ले जाना। पहली परफॉर्मेंस यहीं से आई थी, बस एक ही करनी थी। क्यों नताशा आप लोगों की मेरी बात सुनो, मरियम उस वक्त सब सोए हुए थे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इन्हें जगाते हैं, इन्हें जगा। मरियम अच्छा भी आप लोग बताओ, तब सब सोए हुए थे या जाग रहे थे? देखो यार इनकी आवाजें भी नहीं निकल रही, वाकई सब सोए हुए थे। रोला ना ना पाई जाओ, कुछ गल भी कर लो, दिखाओ कुछ। चलो जी हम अभी आपको दिखाते हैं, और जो हम आपको दिखाएंगे जी जी लिख के देंगे, उसका जवाब नहीं होगा। नहीं, नहीं, आप पे यकीन है, आप पे यकीन है, ये गवाह हो रहे इस चीज़ में, यानी कि कोर्ट से, मैं यानी कि कोर्ट शॉट फिर उतार लूं है। अभी किसने कहा था कि ये कोई सियासी जलसा नहीं है, मेहंदी में आए हुए हो आप, काम कर रहे हैं। ये तो सियासी बात नहीं थी, बिल्कुल सियासी बात नहीं थी, ये तो चैलेंज का जवाब दिया जा रहा है और पॉजिटिव वे में दिया जा रहा है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मैं तो इनकी बात नहीं, मेरी बात कर रही हूं। अच्छा, मैंने कहा है कि जो आइटम हम अब पेश करेंगे लड़के वाले यानी साजिद भाई की तरफ से, उसका आपके पास लड़की वालों कोई जवाब नहीं होगा। नहीं बिल्कुल होगा, आप ऐसे हमें करके दिखाएंगे, हम देख लेते हैं, होना चाहते हैं करके दिखाएंगे। आपने तो कर दिया चैलेंज नताशा जी, अब मेरा भाई आपको सांप बन के दिखाएगा, देख ले। और सांप हम देख लेंगे बाद आएंगे वापस। जब कैमरा ऑन हुए हैं तो तब उसने मेहंदी वेहंदी लगाना छोड़कर तो मामा को देखना शुरू कर दिया कि मैं मामा को इस वक्त से देखी हूँ। आसिया के हाथों पे हम बहुत प्यारी सी मेहंदी लगा रहे हैं, आसिया के हाथों पे मेहंदी सज रही है, और साजिद भाई की तरफ से नताशा जी जी आपकी एक इंतहाई कैसी परफॉर्मेंस, बहुत आला, ठीक है, बहुत आला परफॉर्मेंस का जवाब आने वाला है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसको आप मैच नहीं कर सकते। हाँ, वो हमें अंदाजा हो गया है, वो हमें अंदाजा हो गया, हमने पहले ही बोल दिया है। सॉन्ग सिलेक्शन मेरी है, तरफ से होने के साथ साथ हमारी तरफ से सॉन्ग सिलेक्शन मेरी है, मगर उस पे कमाल जो है वो है, तशरीफ लाएंगे सोनू एंड डेंजरस। थैंक यू, आप सोनू एंड रिजा का कोई जवाब नहीं, क्योंकि सोनू डेंजरस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब आप लोग बताओ आसिया या साजिद, आपकी टीम जीत रही है। देखिए हमने आपके लिए कितना यहाँ पे धूम रखा, कैसे लग रहा है नसरुल्ला साहब, एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए गए। लेकिन एक मिनट जरा दूल्हे के वालिद और वालदा तो आए एक मिनट के लिए, मतलब जब तक आप ना आके यहाँ पे, जब तक आप भाई साहब का डांस, ठीक है, वाह वाह वाह, जरा दोनों लड़का और लड़की के अम्मा अब्बा की तो सैर करवाओ, हाँ, ताकि वो थोड़ा सा उनको मजा आए कि उनके बेटे की शादी है भाई, उनके बेटे की रस्म ही ना है। चले क्या, चले जी, मैं क्या हाई साहब कार जाके भावे अम्मा होना लड़ पे।
कि तू मेनु चाह नहीं पीती हो मेनु चिमड़ी जान दिया। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लड़की वालों के पास इस परफॉर्मेंस का भी कोई जवाब नहीं है। लाला के अभी हमने अपना गुरु नहीं छोड़ा। इसने जुगत की है, हंसे बच्चों, हंसे क्या हो। अच्छा एक सेकंड, ये इस बात पे हंसना था तकरीबन रो भी सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपका रोने को बहुत बिल्कुल हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्योंकि हम तो उसकी परफॉर्मेंस देख के बल्कि और ज्यादा फ्रेश हो गए। वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जैसे मैंने दूल्हे की जो फादर है इनके साथ डांस किया माइक टाइम माइक माइक, और मरियम ने मरियम ने किया है लड़की वाले, ये लड़की वाले तो अभी मतलब लड़की वाले हाँ बैठे हुए हैं। मैंने सोचा इनको किसी ने तो डांस करवा ले, मैं ही ले जाऊँ उनका। उन्होंने तो बंदा मेरे तो ही आशिक हो गया इतनी देर। अच्छा एक काम करते हैं, एक आप आपको मौका देते हैं पूरे का पूरा डांस तेरा बड़ा प्यारा से वो कैमरे वाले मुंह करके करो। देखो आपका डांस बहुत अच्छा था डाले, आपका डांस बहुत अच्छा था डाले के बाद हो रही थी। अंकल बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, मगर डांस में आप शर्मा क्यों इतना रहे थे? शर्माने की बात नहीं, वो जिंदगी में कभी डांस किया नहीं गल। अंकल होनी शर्मा रहे हो जाए 15 मिनट बाद कहना नहीं लो फिर मेरे लिए कैसा कला। आपको बहुत 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 मुबारक हो, आपके बेटे की माशाल्लाह से शादी है तो बेटे की शादी पे तो बिल्कुल बिल्कुल बनता है ना थोड़ा बहुत खुशी मनाना, हम थोड़ी खुशी तो बनती है। हमी ढोल होता है ढोल पे लड़के वाले आर इन फुल एक्शन। क्या जवाब देंगे फिजा? हाँ क्या मतलब फिजा? अच्छा आवाज ही नहीं निकल रही लड़की वालों की अब तो। भाई साजिद या आसिया? साजिद। आप तो कह रहे थे बड़ी तैयारी है। हाँ जी तैयारी है, हम लोग तो तैयारी है, लेकिन आपने लड़की वालों के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च के सोनू डेंजरस को नहीं बुलाया। नहीं फर्क ये है, हमने जी नहीं मुझे ओनली 20 रुपए में बुलाया, पेमेंट भी कैश मिल गई है। सोनू का रोला ना सोनू, हम थोड़ी देर के लिए लड़की वालों को देते हैं, चलो ऐसे कर रहे हैं। चलो सोनू कौन करेगा? ये देखा फराह जी अच्छा एक गाना, एक हसीन लड़की, एक एक मिनट एक अपनी तरफ से जिसको मर्जी भेजो गाना एक चलेगा। सोनू आप दोनों के साथ, मैं अपनी तरफ से बंदा भेजूंगी बंदियां भेजूंगी, आप अपनी तरफ से भेजें। अच्छा एक गाना, कौन सा गाना सुनाएं? नहीं वो एक गाने पे, एक गाने पे मैंने दोनों पार्टीज की तरफ से कह रहा पेमेंट दोनों तरफ से होगी, यानी आप समझे आप रेलू कटाएं बस इजी। ओके हम गाना एक चलाएंगे, दोनों तरफ से लोग आके परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना? देख लेंगे लड़के वाले या लड़की वाले। साजिद या आसिया? रस्म है ना साजिद और आसिया की आज, और जिसमें हम खुल के सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि इन दोनों की खुशियां जो हैं और इनके रंग जो हैं वो इसी तरह से खूबसूरत रहें। फैमिली वाले आसिया और साजिद खुश हो खुरम रहे, फैमिली वाले भी मिल रहे हैं और भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्रेक पहले लेंगे और फिर आप देखिएगा कि कौन जीतता है। हमने चैलेंज किया है कि गाना एक, कभी लड़की वालों की तरफ से लड़की आएगी कभी लड़के वालों की तरफ से। आप कह रहे थे ना, ये कह रहे थे कि सोनू की वजह से आप लोग जीत रहे हैं, तो देख लेते हैं इनमें कितना दम है। डन बिल्कुल डील डील, आप जीत नहीं सकते। हम साजिद भाई हम जीत चुके हैं, हम इन्हें जीतने नहीं देंगे। साजिद भाई ठीक है ना, खुश है ना आप? एक दफा खड़े होके गए, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ओके हम इन्हें जीतने नहीं देंगे। लेट्स स्टार्ट चैलेंज स्टार्ट। ये तो हो चुका था, कोई बात नहीं। आप बताएं साजिद या आसिया? आसिया। साजिद या आसिया? आसिया। ये क्या हुआ?
more challenge. One more challenge. One more challenge. No, no, no. Aditya, Asiya, nahi. Sonu ne just dance kar kar ke main thak gaya hu yaar. Farah. Ek second. Ab challenge kal ke liye rakhte hain. Nahi, ek challenge chota sa. Chota sa ek challenge hai. Acha, aap Seher. आइए हम शहर अपनी आपको कुछ देर के लिए देते हैं अच्छा ओके और ये छोटा सा शहर आ जाना आइए आइए थोड़ी देर के लिए शहर आप इधर चली जाएंगे ठीक है शहर आपके पास है निर्मल हमारे पास है हाँ ये एक हम भी रखते हैं अब हम एक चूंकि ढोलकी है चूंकि मतलब रस्में हिना है और उसका एक ट्रेडिशनल रंग है अंदाज है सो हम शुरू करेंगे आप जवाब देंगे लेकिन विदाउट उधर भेज दी और निर्मल हमें दे दी विदाउट ब्रेक और आपने बताना है कि आसिया या साजिद ठीक है चले लेट्स स्टार्ट मदीद आप सबका इस्तकबाल है आज रस्म हिना है आसिया की और साजिद की और ब्रेक में हमने किया था एक अंताक्षरी का मुकाबला सो किसके साथ हैं आप आसिया जिसमें हम जीत गए थे या साजिद क्योंकि साजिद की टीम लेकिन हम लोगों ने एक सेकंड भी नहीं लिया ये लो आसिया या साजिद अब ठीक है नहीं नॉट फेयर आई लव यू ऑल ये क्या हुआ मेरी गैर मौजूदगी में सच कर रही है सच है सच्ची आवाम है ये सच्ची आवाम आवाम सच्ची होती तो हमारा ये हाल होता अच्छा जी चलें अच्छा अपनी दफा बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों से और फराह से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता बाकी बेचारे तो फिर भी चुप जाहिर है लड़के वाले हम हमसे क्यों बर्दाश्त आप बताइए अपनी दफा आवाम सच्ची होती तो हमारा ये हाल होता वाह भाई लड़की की फराह और हम कितने लड़की की फराह जीत गए कोई बात नहीं साजिद या आसिया साजिद वो जाहिर है लड़की के मामू हाँ साजिद या आसिया साजिद अब लड़की की अम्मी से भी पूछ लेना ये लड़की के मामू है अम्मी से अच्छा और कौन सा रिश्तेदार आया ये कौन है आप कौन है आप ही खाला लड़की की खाला जी यानी लड़के की खाला और लड़की की खाला साजिद या आसिया आसिया और लड़के की खाला खालिद खालिद हम तो निकाह साजिद का साजिद खालिद साजिद की साइड लेंगे रेड नंबर का ही फर्क हुआ साजिद की साइड लेंगे साजिद की साइड लेंगे जी जी वेरी गुड और आप मैं आसिया की अच्छा अब वो साइड तो आप लेंगे मगर हम ये दोनों टीमों में से किसकी टीम साजिद की टीम या आसिया की टीम खालिद साजिद की साजिद की किसकी टीम आसिया की आसिया चलें जी आसिया आसिया की टीम जीत गई मगर एक तैयारी तो ये है ना एक दूसरी बहुत प्यारी सी तैयारी है जिसमें हमारी इतनी प्यारी सी मेहंदी लग रही है आसिया के हाथों पे आसिया बेटे थोड़ी देर के लिए आना हम वापस आके मेहंदी लगाते हैं अक्सा बहुत प्यारी मेहंदी लगाई इतना खूबसूरत मेहंदी जो है वो लगा रही है अक्सा और ये खराब नहीं होनी चाहिए ये खराब नहीं होगी ये ऐसे करके दिखाओ ना आसिया अपने हाथों को यूं करके सो आसिया के हाथों पे मेहंदी कैसी लग रही है बहुत अच्छी और हमारी दुआ है कि सुहाग की और खुशियों की ये मेहंदी जो है पूरा रंग लेकर आए और हमेशा इसके हाथों पे इसी तरह खुशियों के रंग जो है वो सजते रहे जचते रहे ठीक है थैंक यू बेटे आप बैठोगी अच्छा जी एंड सारा साइमा उबैद इज़मा सुल्तान जिनके इज़मा का मेकअप है बहुत प्यारा सा इज़मा आएगा सो ये सब जो मेकअप है जो सब लोग तैयार हुए हैं इज़मा का खूबसूरत मेकअप है इज़मा थैंक यू सो मच थैंक यू सारा आयना साइमा साइमा उबैद का था बहुत खूबसूरत सा ड्रेसेस वार्डरोब्स जिसमें के दुल्हन का भी और सब लोगों के ड्रेसेस जो साइमा ने दिए साइमा किसका ड्रेस आपको सबसे अच्छा लगा जिसने सबसे अच्छा कैरी किया नताशा ने ऑब्वियसली थैंक यू सो मच नताशा ऑलवेज विनर अच्छा मैंने नीलोफर का पहना हुआ है मैंने नीलोफर शाहिद का पहना है लेकिन ये सब ड्रेसेस जो है बहुत खूबसूरत एवरीबॉडी इज लुकिंग गॉर्जियस थैंक यू सो मच थैंक यू साइमा थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया कैसर कैसर आप दिन ब दिन जो है ना हम आपके बिग टाइम फैन होते जा रही है जो खूबसूरत सा सेट लगा हुआ है इतना प्यारा एनवायरमेंट इतना प्यारा जो है एन्चेंटेड मोमेंट्स जी एन्चेंटेड मोमेंट्स आपने वाकई इसको आज मैंने मेहंदी का थीम आप शायद नोट किया और डिफरेंट है यूजुअली जो है लोग गेंदा यूज करते हैं अगर पांच इवेंट्स होना जैसे हमारे थे ढोलकी संगीत मेहंदी बारात वलीमा ऑलवेज सजेस्ट माई क्लाइंट्स टू गो फॉर द मॉडर्न थीम्स ऑन मेहंदी अगर पांच इवेंट्स हैं ठीक है पहले में आप ट्रेडिशनल रखे और उसके बाद आप मॉडर्न में लेके आज मॉडर्न में आज मॉडर्न वाह कैसर साहब बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू
कल हम देखेंगे, कल हम देखेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, मजीद और आपसे लेंगे इजाजत। मैंने कहा फराह जी सेट दिन ब दिन खूबसूरत करते जा रहे हैं, जी लाओ जो मुंह तो होंगे नहीं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल आपसे मुलाकात होगी बारात के इवेंट के साथ हमारी, और जाते जाते एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस अभी और बाकी रहेगी, अभी है कुछ। चले अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।